नहीं, ये तो बाबा के बिल्कुल करीब है, अजमेर तो खाटू श्याम जी के बिल्कुल करीब है और बाबा के दीवाने। अजमेर आए पहली बार? नहीं नहीं, पहली बार नहीं आया, अजमेर कई बार आ चुका मैं, कई बार आया हूँ। और 2001 में तो जो गुणगान यात्रा बाबा के लिए की गई थी, 38,000 किलोमीटर की यात्रा की थी 2000 से लेके 2001 तक, उसमें भी ब्यावर भी आया, किशनगढ़ भी आया, अजमेर भी आया, भीलवाड़ा भी आया, नरसियाबाद की कौन सा विजय क्या है वो सब जगह है, लेकिन अजमेर कई बार आया हूँ। हाँ, इस बार 12 साल बाद है। क्या कहेंगे शाम प्रेमियों के लिए? शाम प्रेमियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ये तो बाबा के बिल्कुल करीब है, अजमेर तो खाटू श्याम जी के बिल्कुल करीब है और बाबा के दीवाने शुरू से यहाँ पर भजन कीर्तन। आज के 30 साल पहले किशनगढ़ में जो मंदिर बाबा का है वो मेरे हाथ से उद्घाटन हुआ, किशनगढ़ में जो श्याम मंदिर है। अब ये सोच लो 30 साल पहले, तो अजमेर श्याम रंग में रंगा हुआ है। एक वीडियो आपका वायरल हुआ है कुछ दिन पहले, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप कह रहे थे कि महंगे पंडाल लगाए जाते हैं तो भजन गायक भी। देखो, ये बात तो बोलनी चाहिए आप लोगों को, पत्रकारों को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। मुझे 42 साल हो गए, मैंने 42 साल में कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन वहाँ पर हिंदू महासभा ने कार्यक्रम किया था, इसमें 10-11 पत्रकार थे, 5-6 इलेक्ट्रॉनिक थे, कुछ प्रश्न ऐसे कर दिए, तो मेरी जो पीड़ा है वो छलक गई। जी ठीक है, बाहर आ। अब ये देखो, तुम कितनी देर से हो यहाँ पर? कितनी देर से हो? 4 घंटे हो गए। मैंने जितनी देर आया कैसा लगा? जीरो समझा? जी नहीं समझा? समझ गया। तुम्हारा प्यार है ना, तो आंखों के बराबर धन्यवाद। क्या पैसे से ही आनंद आता है? बिल्कुल। अब मैं क्या बोलूं? तो ये जो चीज है जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए? तो मैंने जो कहा है सिर्फ प्रवाहकों के लिए नहीं कहा, आयोजकों के लिए कहा, आयोजक लोग को भी ये सोचना चाहिए, जो पैसा बचे उसको और बहुत से काम है, गौशाला में दो, दिव्यांगों में लगाओ, विधवा आश्रम है उसमें लगाओ, वृद्धाश्रम है उसमें लगाओ, गरीब बच्चों को पढ़ाओ, 1,000 प्रश्न पढ़ाओ उसे पढ़ाओ। ठीक है जी।